अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग शेयर कर रही हूँ और आज की हमारी इवनिंग जो है हमारी टोटली कैट्स के साथ ही होगी। तो शाम की चाय की जगह पर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, यहाँ पे इनकी मफिन और स्कूबी की लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। सो आज कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि हम लोग फिर रात को मामा के घर भी चले गए थे, तो वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया था। तो डिनर तो हमने मामा के घर ही किया था। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना मेरे, आज मैंने कहा इनके साथ सारा, वैसे तो मैं सारा दिन इनके साथ टाइम स्पेंड करती ही हूँ, लेकिन चलें आपको भी आज दिखाती हूँ और अपने सारे बच्चे दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं घर में, कैसे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं माशाल्लाह। और आज तो मैंने छोटे बच्चों को भी बाहर ले आई थी, बिनी के बच्चों को, वो भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा, कल मैंने जब वीडियो अपलोड की तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि बिनी के दो बच्चे नज़र आ रहे हैं तो थर्ड नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने उनको रिप्लाई किया है कि मैंने कहा आपको, आप वीडियो को गौर से देखें, आपको थर्ड वाला भी नज़र आ जाएगा। मैंने कोई रूडली नहीं रिप्लाई किया था, मैंने तो जस्ट ये कहा था कि वीडियो को गौर से देखें, आपको थर्ड नज़र आएगा। तो उनको लगा कि शायद मैं कोई रूड बात कर रही हूँ, बट खैर मैंने कोई रूडली नहीं कहा था, मैंने जस्ट ये कहा था कि अगर आप वीडियो को देखें जहाँ पे मैं किटन्स दिखा रही हूँ वहाँ पे थर्ड नहीं है उसके साथ। माशाल्लाह से मिस मैज़ा कैसे बैठी हुई हैं और इसके भाई भी माशाल्लाह अब खेलने लग गए हैं, सही मोटे मोटे प्यारे से बच्चे हैं। मैक्स के माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे पैदा हुए, बहुत ज़्यादा प्यारे। आप यकीन करें मैं ना इनसे ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, स्पेशली मैज़ा से, इससे तो मैं सारा दिन खेलती रहती हूँ। इसके मुझे ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खुद ही दिल में जगह बना लेते हैं, ये उन्हीं बच्चों में से है। और कल जो हम मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था कैट के स्प्रे करने वाला, तो मैंने रियलाइज़ किया कमेंट से कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्प्रे करना क्या होता है कैट का। बेसिकली कैट का स्प्रे करना ये होता है कि कैट चलते फिरते कहीं पे भी हर जगह जो चीज़ ख़ासतौर पे उसको स्टैंडिंग नज़र आ रही है ना, जैसे कि सोफ़े गुजर रही होगी तो सोफ़े के ऊपर यूरिन कर देगा मेल कैट स्प्रे करता है, और किसी वॉल पे कर देगा, या आपका पिलो आपने बेड के साथ लगा के रखा है पिलो के ऊपर कर देगा। तो चलते फिरते हर जगह पे कैट जो है ना वो स्प्रे कर रहा होता है, यूरिन कर रहा होता है, कभी कभी बहुत कम करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा करता है। तो कैट जब बहुत ज़्यादा मेल कैट यूरिन करने लग जाता है, दैट मीन्स उसके हॉर्मोन्स बहुत हाई हैं, उसको वो हीट पर होता है। हीट पे होने के और भी काफ़ी सारे साइंस होते हैं, जैसे कि कैट बहुत बोलता है, बहुत आवाज़ें निकालता है, स्पेशली रात के टाइम बहुत आवाज़ें निकालता है। और जब कैट हीट पे होता है तो खाना भी बहुत कम कर देता है खाना। अच्छा, यहाँ पर देखें ये हमारी मैगी जो है स्कूबी की बेटी,
तो ये भी माशाल्लाह कितनी क्यूट है, ये इस टाइम हीट पर आई हुई है और हीट पे कैसे क्रॉलिंग कर रही है। तो ये फीमेल जब कैट हीट पर आती है तो फीमेल कैट इस तरह से क्रॉलिंग करती है, ठीक है। और मेल कैट जो है वो जगह जगह स्प्रे भी करता है, सारे मेल कैट्स नहीं करते बट कुछ करते हैं, और फीमेल जब भी हीट पर आएगी वो इसी तरह से क्रॉलिंग करना स्टार्ट हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चों को देख के लाजमी आप माशाल्लाह पढ़ें, कितने माशाल्लाह प्यारे हैं। और मैं ना, मेरे बच्चे ना वैसे बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं है, सबकी जिस जिस की मैं वीडियो बनाने लगती हूँ सब बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी ना कैमरा के अंदर घुस जाएंगे। ये देखें सबके मुंह अंदर, प्रॉपर मुझे बनाने नहीं देता, मुझे इतनी हंसी आती है। आप इस पूरी वीडियो में आप नोट करेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जब भी मैं उनकी वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो वो बिल्कुल ऐसे कैमरा के अंदर ही चले आते हैं। और बगीरा माशाल्लाह कितना खेल रहा है। अच्छा, बगीरा के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं ना एक दो दिन में एक फुल डे विद बगीरा टाइप ब्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको कैट का स्प्रे करने का तो पता चल गया ना। तो कल की वीडियो पे किसी का कमेंट आया था, वो खुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी मेरी ये वीडियो देखकर, लेकिन मैं उनका कमेंट पढ़ के मैं बहुत, मुझे तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे। वो ये कमेंट था कि मैंने आपको कल बताया था कि लोगों के जो फीमेल कैट या मेल कैट जो जब हीट पर आता है ना तो लोग उसको ना इंजेक्शंस लगाते हैं हीट को कंट्रोल करने के, और हमारे यहाँ पे इस तरह के वेट हैं जो बग़ैर गाइड किए लगा देते हैं। तो मैंने आपको कल भी मना किया था कि ये काम ना करें, इससे क्या होता है, इससे कैट की किडनी भी डैमेज होती है, कैट का लिवर भी डैमेज हो जाता है, और जब ये दोनों चीज़ें डैमेज हो गई तो कैट के पास क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। सो कभी भी अपने कैट को इस तरह का आपने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। कल उनका मुझे कमेंट आया एक सब्सक्राइबर का, और उनकी 11 साल की कैट थी और उसको वो 8 महीने से इंजेक्शन्स लगवा रहे थे, और उस इंजेक्शन्स की वजह से उसके किडनी और लिवर फेल हो गया और बिल्कुल डैमेज हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो खुदारा आप ये काम बिल्कुल ना करें। इस कमेंट को पढ़ के मैं बहुत परेशान हुई थी, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ था, दिल से बहुत दुख हुआ था। मुएजा, अच्छा आपको पता है ये मुएजा अभी, आपको पता है मुएजा सिर्फ अभी 14 डेज की हुई है, 14 दिन की, मतलब कि 2 वीक्स की हुई है, और माशाल्लाह कितनी एक्टिव है। और इसके भाई को देखें, पाला पाला बीबी, इन्होंने अपनी आईज भी बहुत जल्दी ओपन की है और बड़े एक्टिव हैं। और मिस मुएजा मुझे देख रही है कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है ना, मैक्स जैसा है ना ये। मुएजा आप मुझे ऐसे क्यों देख लियो, ऐसे क्यों देख लियो, छोटी सी जुबान तो हर वक्त निकली रहती है ना। और यहाँ पे देखें बगीरा क्या कर रहा है, बगीरा का और छोटे मैक्स का फुल प्यार चल रहा है। तो बगीरा माशाल्लाह इन सब का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, सारे कैट्स का। इवन उसको, अब उसको भी ऐसा फील नहीं होता कि कहीं वो बाहर से आया है, सबके साथ एडजस्ट हो चुका है, सबके साथ। और उसकी सारी आदतें भी मेरी सारी कैट्स जैसी हो गई हैं, और सब उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं माशाल्लाह। और बिनी यहाँ पे सब बच्चों को फीड करवा रही है माशाल्लाह, वो भी यहीं पर ही फीड करने लग गए हैं मामा को। ये बच्चे इतने चलाक हैं ना, बिनी के अलावा किसी और को फीड नहीं करते, ना मिनी को करते हैं ना जोए को करते हैं। सो अभी हमारे घर में एक गेस्ट आ गए थे तो हम वहाँ बैठे थे, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी सारी कैट्स बाहर थीं, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो मैं उन, वो बेशक वो इतने अनकंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कैट्स को ना रूम में कर देती हूँ ना।
लेकिन आज बस मेरी सारी कैट्स फिर रही थी उनके साथ, बाहर ही फिर रही थी। और अब फुजैल खा रहे थे मीठे चावल ज़रदा, और टोनी फुजैल से मांग रहा था, कैट्स को मीठा बहुत पसंद होता है, कैट्स क्रेजी होती हैं, लेकिन कैट्स को मीठा नहीं देना चाहिए। सो टोनी बहुत मांग रहा था फुजैल से राइस, लेकिन फुजैल ने उसको नहीं दिए। कैट्स को मीठा देने से ना डायरिया हो जाता है, और उनके जो फर जो है वो भी उनकी उतरने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं अभी बनाने लगी थी दही, मैं बनाऊंगी 1 किलो दूध से दही। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ना एक क्लिप डाला था एक ब्लॉग में ही, तो मैंने उसमें दही घर का ही बनाया हुआ था। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप ना हमें बताएं कि आप दही कैसे बनाती हैं। अच्छा, दही बनाते हुए कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलें आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो सबको ही ऑलमोस्ट आती होगी, लेकिन मैं जिस तरह से बना रही होती हूँ, मैंने कहा चलो ये मेरे व्लॉग का हिस्सा है तो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, मैंने ये ले लिया है, ये मेरे पास चाइनीज़ पॉट है, ये मैं अटक से लाई थी, 2 लाई थी कल। मैंने घी भी डाल कर रखा था ना, और एक ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत क्यूट। मैंने दूध को ना सिर्फ नीम गरम किया, ये फ्रिज में पड़ा हुआ दूध था, मैंने दूध को फुल गरम नहीं किया, नीम गरम दूध किया, और मैंने उसको इस पॉट में निकाल के मैंने उसको अच्छी तरह से उसको फेंटा है दूध को, कि उसके ऊपर झाग बन जाए। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन 15-20 दफ़ा किया होगा इस तरह से। और अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितनी दही डाल दी, और दही डाल के आपने उसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है दूध को, बस हल्का सा मिक्स करें, दैट्स इट। और अब मैं इसको कवर करके, तो मैं इसको किचन में ऐसी जगह पर रख रही हूँ, किचन में ही रख रही हूँ जहाँ पर ये बार बार हिले नहीं। ठीक है, और इसको मैं फिर सुबह आप चेक करूँगी। तो या अब रात का टाइम हो रहा था, तो मैं मेरी जो स्किन केयर रूटीन होती है, मैं वो हमेशा एक सी नहीं रहती, मैं उसको चेंज करती रहती हूँ, मीन्स मैं प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ। तो ये मेरे पास कोरियन प्रोडक्ट्स थे सम बाई मी के, तो ये क्लेम करते हैं कि 30 डेज मिरेकल सीरम और इनका टोनर होता है, लेकिन मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, मैं 2-3 दिन यूज़ करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। तब मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना इसको प्रॉपर 30 डेज तक मैं चेक करूँ और देखूँ कि इससे मेरी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन देखते हैं कि इससे और क्या डिफरेंस आता है। इसमें AHA, BHA और PHA होता है, ये हमारी जो है ना एक नेक्स्ट लेवल की हमारी एक्सफोलिएशन करती है। और जब हम लोग AHA, BHA और PHA वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो उस दौरान हमें कोई स्क्रब्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। और ये प्रोडक्ट्स रात के टाइम पर ही यूज़ करने वाले हैं, और दिन को लाजमी है कि सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी फेस की स्किन जो है वो पील हो रही होती है, न्यू स्किन आ रही होती है, तो न्यू स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक मस्ट है। ठीक है, और साथ में मैं नाइट क्रीम की जगह पे मैं यूज़ करूँगी ये लिप बाम की मेरे पास क्रीम है, तो ये भी नाइट क्रीम है, ये थोड़ी सी मैं ये लूँगी। बस सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लेना है, और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी टोनर, उसके बाद सिरम, एंड लास्ट में नाइट क्रीम। तो अब से 30 डेज तक मेरी ये रूटीन रहेगी, एंड लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है मेरी स्किन में। अच्छा, तो अब सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा चलें अब छोटा सा एक क्लिप बना के आपको दिखा दूं कि मेरी दही कैसी बन गई है। अच्छा, दही को एक याद रखना है आपने टिप, कि जब दही आप बनाने रखें तो उसको आपने फिर 6 घंटे के बाद उसको फ्रिज में लाजमी रख लेना है। अगर ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो दही ज़्यादा ओवर पक जाएगी और फिर उसमें से पानी निकलेगा। आज मेरी दही थोड़ी सी ज़्यादा देर बाहर रह गई है। ठीक है, 6 घंटे जैसे ही गुजरेंगे आपने दही को फ्रिज में रख देना है, ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना, उसका बनने का प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। ठीक है ना, दही अभी भी आप देख सकते हैं ज़्यादा वाटरी नहीं है, माशाल्लाह बहुत मज़े की और बहुत अच्छी घर की दही बन जाती है। सो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई होप आपने इंजॉय किया होगा और आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।